बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम, जरूर मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन बी फॉर यू एस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज की गुज़श्ता रात बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। इस कदर बड़ी मीटिंग और इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ लाई गई हैं आपके लिए कि आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, क्योंकि बी फॉर यू ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एस सी सी पी में रजिस्टर्ड नहीं है, पोंजी स्कीम है, अदालत आलिया अदालत उज़्मा में भी अब इसकी चहमगोइयाँ हो रही हैं क्योंकि सैफुर रहमान खान नियाज़ी 2 हफ्तों के लिए अबूरी ज़मानत पर हैं। अच्छा, आज जो प्रोग्राम होगा, एक तो कल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या चीज़ें, कौन कौन सी फरमाइशें की गई, क्या कुछ होता रहा, कितनी देर मीटिंग चली, मीटिंग में फैसले क्या हुए, और इसके अलावा नैब के सामने सैफुर रहमान खान नियाज़ी जो एस आर के मोहसिन पाकिस्तान कहलाते हैं और लोगों से 1-1 लाख रुपया मांगते हैं, वो कितनी देर नैब तफ्तीशी हुकाम के सामने रहे, कौन से सवालात किए जाते रहे, किन सवालों के जवाब दिए गए, किन सवालों के जवाब नहीं दिए गए। फिर एक और जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं जनाब। बी फॉर यू के जितने भी इन्वेस्टर्स थे, मेमरान थे, पहले 4 लाख थे, 5 लाख, अब 6 लाख हो गए, या आहिस्ता आहिस्ता 10 लाख तक भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं तो जाहिरी बात है पैसा पैसा करती है तू, क्यों पैसे से तू डरती है, पता नहीं इस तरह कोई गाना था, मुझे याद नहीं है, लेकिन खैर एनी हाउ ये अब पैसे पैसे की गेम है। और आपको मालूम है नाजरीन, एक बी फॉर यू का टॉप लीडर मलिक नवीद, जो जिस जमात से इलेक्शन लड़ रहे, आज मुझे वॉइस नोट उसका मौसूल हुआ किसी के ज़रिए, तो मैं हैरान रहा कि उसके जो कायदीन हैं वो हमारे कौमी सलामती के इदारों से टकरा रहे हैं, और वो मलिक नवीद जीतने के लिए कौमी सलामती के इदारों की नारेबाजी कर रहे हैं। वो वॉइस नोट आपने सुन लिया होगा, मैं प्रोग्राम में वॉइस नोट तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन अब देखें ना कि सितम ज़रीफ़ी ये है, वो शख्स जो माजी में भी स्कैमर कंपनी में रहा, अब भी स्कैमर कंपनी, अब वो इलेक्शन लड़ रहा है, और पैसा कहाँ से आया, आप लोगों का पैसा है, आपकी खून पसीने की कमाई है, अब वो इलेक्शन में ज़ाया करेगा, सियासत में ज़ाया करेगा, और इसी खुशफहमी में होगा कि शायद वो सीट जीत जाए और अपने पैसे डबल कर ले, क्योंकि अब जिस एक शख्स को चस्का पड़ जाए पैसे डबल करने का तो वो उस काम के अलावा कोई और काम कर नहीं सकता। खैर बात स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले सैफुर रहमान खान नियाज़ी जब कल नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुए तो उनसे कहा गया जनाब आप अपना जो आईटी का सेटअप है, आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो मेमरान है, उनकी डिटेल हमें मुहैया करें। लेकिन सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने डिटेल मुहैया ना की, बल्कि एक सैफुर रहमान खान नियाज़ी का आपने नोट भी सुना होगा जिसमें सैफुर रहमान खान नियाज़ी कहता है कि ये 4 लाख लीडर और इस तरह उस तरह के अल्फाज, और फिर कहता है 1 लाख रुपया किसी ने नहीं दिया। अब ये सोच लीजिएगा कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी अपने आप को बचाने के लिए उन टॉप मैनेजमेंट टॉप लीडर्स जिन्होंने पैसे कमाए उनका नाम भी ज़रूर देगा। अच्छा, उसके बाद अब नैब वाले कहते हैं जी हमें चीज़ें मुहैया की जाएं, जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की इन्वेस्टमेंट से, जो इन्वेस्टमेंट आपने लोगों की इकट्ठी की और उनको सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन वो प्रॉपर्टी की कोई डिटेल भी सैफुर रहमान खान नियाज़ी नहीं दे रहा। एक उसे क्या कहते हैं, कहा गया था कि आप गाड़ियों की, जो गाड़ियां आपने लीडर्स को दी हैं, इन्वेस्टर्स को दी हैं, उनकी फहरिस्त दें, उनके नाम नंबर दें, लेकिन वो सवाल किस तरह का होता था और जवाब किस तरह का, सैफुर रहमान की कोशिश है कि वो किस तरीके से बच पाए। अब मंडे को दोबारा सैफुर रहमान खान नियाज़ी को बुलाया गया और उससे कहा गया है कि भाई आप जो आईटी टीम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसकी तमाम कापियाँ हमें मुहैया करें, एक सॉफ्ट इमेज और एक हार्ड कॉपी दें। लेकिन सैफुर रहमान खान नियाज़ी वो नहीं दे रहा, और ये एक प्लानिंग के तहत ना, क्योंकि अपने आप को सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने बचाना है, वो कहता है मैं इदारों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैफुर रहमान खान नियाज़ी की बुरी जमानत थी, एक दफ़ा भी नैब के सामने पेश नहीं हुआ था, अदालत आलिया के चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हों, तो सैफुर रहमान खान नियाज़ी अब जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली अबूरी जमानत 2 हफ्तों की, तो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जस्टिस साहिबान ने कहा सैफुर रहमान खान नियाज़ी को कि आप नैब की टीम के साथ तआवुन करें, जो सवालात पूछे जा रहे हैं, और नैब को ये कहा गया कि अगर सैफुर रहमान खान नियाज़ी तआवुन नहीं करता तो आप हमें आगाह करें। लेकिन आप मंडे को दोबारा, और एक ही है कि जब तक सॉफ्टवेयर की डिटेल नहीं मिलेगी, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर से तमाम कटा छटा सामने आ जाएगा कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने
कितनी इन्वेस्टमेंट ली, लोगों को प्रॉफिट किस तरह देता था, मनी रोटेशन थी। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, गुज़िश्ता रात जो मीटिंग हुई बड़ी हाई लेवल की मीटिंग थी। अच्छा, एक ना सबसे जो मज़ाहिका खेज बात है कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने सख्ती से मना किया था उस मीटिंग में, किसी को मोबाइल फ़ोन लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, तमाम के मोबाइल फ़ोन्स बंद करवाए गए, बाज़ाब्ता तौर पर चेक किया गया। अब देखें कि एक बंदा जो कहता है जी मैं इस मुल्क का खैर ख्वाह हूँ, मैं इस मुल्क में कुछ करने के लिए आया हूँ, अब उसको इतना खौफ है कि यार मेरा कोई वॉइस नोट, कोई बात मेरी लीक आउट ना हो जाए। तो तमाम मेम्बरान जो उस मीटिंग में गए थे उनकी बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग की गई कि किसी ने कोई सीक्रेट कैमरा तो नहीं लगाया, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग तो नहीं करा, तमाम मोबाइल फ़ोन्स बंद किए गए। और मीटिंग में कहा गया जी कि एक तो वेबसाइट में चेंजिंग लाई जा रही है, और वेबसाइट में चेंजिंग इसलिए लाई जा रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई है। और उसके अलावा ये भी फैसला किया गया, आपने शेख शामी का भी वॉइस नोट सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि जी तमाम चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। अब वही ढाक के तीन पात वाली बात है कि दोबारा से आवाम को जो मेम्बरान हैं उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और सबसे जो देखें नाजरीन, आप लोगों ने अपनी जमा पूंजी अगर इस कंपनी में लगाई है, ठीक है, क्या आपके साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट इन्होंने किया था कि हम मिड में जाके आपके अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे? अब अकाउंट किस कैपेसिटी में फ्रीज किए जा रहे हैं? बी फॉर यू के जितने मेम्बरान हैं उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं और दोबारा अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए उनसे चार्जेस मांगे जा रहे हैं। ये टोटली फ्रॉड है। अगर अब भी लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये फ्रॉड है तो फिर तो आपको सलूट मारना चाहिए, क्योंकि ये मनी रोटेशन थी, मनी रोटेशन है, मनी रोटेशन रहेगी, और इनका एक प्लान था कि हम लोग फ्रॉड करके भागेंगे, लेकिन वो तो इदारे हरकत में आ गए, SACP ने नोटिस लिया। और अब रात की जो मीटिंग का लुब्बे लबाब ये है कि जो लाख लाख रुपया मांगा गया था वो रात की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ, और सैफुर रहमान खान नियाज़ी कुछ चीदा चीदा लोग हैं जिनके नाम नैब को दे रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो चीदा चीदा कुछ लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि उनके नाम नैब हुकाम को दिए जा रहे हैं, और सैफुर रहमान खान नियाज़ी अपने आप को बचाने के लिए वो उन तमाम लोगों के नाम देगा जो इस वक्त करोड़ों रुपया कमा चुके हैं इस कंपनी से। अब वो करोड़ों रुपया कैसे कमाया गया? मनी रोटेशन थी, क्योंकि टीमें बनती गई, उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापस मिलता रहा और जो टॉप लीडर था उसको ज़्यादा मुनाफा मिलता रहा। तो दूसरा, अब देखते हैं कि ये जो एक्टिवेशन चार्जेस मांगे जा रहे हैं इस पर जो मेम्बरान हैं उन्होंने शोर तो बहुत किया है, और शेख शामी साहब ने खुशखबरियाँ भी सुनाई हैं। अब तारीख पर तारीख फिर बात वही आ गई, पहले मंगल की थी, अब दोबारा पीर को चली गई है, इंशाल्लाह पीर से भी आगे जाएगी, ये तारीख ही आपको देते रहेंगे। कहा गया जी विड्रॉल सबके खुल गए, वो कहाँ पे विड्रॉल खुले? आप तो अपने केस के परसू करने के लिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको जब नैब की टीम ने पकड़ा था तो आपने 40 करोड़ रुपये का जिक्र किया था। ये एक मैं नहीं कह रहा, इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट भी इस बात की उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में भी कही। तो सैफुर रहमान खान नियाज़ी, आप लोगों के पैसे उनको वापस क्यों नहीं करते? क्यों उन लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं? अगर आप इतना ही दर्द दिल रखने वाले हैं, कहा गया जी सैफुर रहमान खान नियाज़ी तो ऐसा बंदा है कि वो ज़मीन पर बैठ जाता है, वो तो ऐसा बंदा है भाई, अब जो सूरत हाल है वो बहुत ही बुरी हो चुकी है। सैफुर रहमान खान नियाज़ी जो है वो आप अपने आप को बचाने के लिए बहुत से लोगों को बलि का बकरा बनाएगा। ये मेरी बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी बहुत से लोगों को बलि का बकरा बनाएगा। जो पीर की तारीख आपको दी गई है, पीर के रोज़ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट जो मेंटेनेंस में रखी गई है वो सिर्फ इस वजह से रखी गई है कि लोग जो दरख्वास्तें दे रहे हैं और बहुत सी चीज़ें और भी सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। 2 हफ्ते का टाइम तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका, अब सुप्रीम कोर्ट में कब हेयरिंग होती है, उस हेयरिंग में क्या होगा? 2 दफ़ा सैफुर रहमान खान नियाज़ी नैब के सामने पेश हुए, 1 दफ़ा 5 घंटे तफ्तीश हुई, 2 दफ़ा 4 घंटे, अब पीर को दोबारा उनको तलब किया गया है। देखते हैं कि पीर के रोज़ सैफुर रहमान खान नियाज़ी क्या नैब के जो सवालात हैं उनके जवाब देंगे, या फिर दाएं बाएं करवटें बदलते रहेंगे किस तरीके से बच पाएं, क्योंकि वो बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उनके पास है कुछ नहीं। जिस तरह वो, अब मैं क्या कहूँ कि लाख लाख रुपया मांग रहे हैं, तो अगर मेरे ख्याल से हालात इस जगह पर आ जाएं तो सुलह ही कर लेनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।